हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेआर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशली एक सेशन जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी एसबीआई पीओ को लेके। जी हाँ, अब बात करते हैं एसबीआई पीओ के और क्लर्कल के फॉर्म की। तो एसबीआई पीओ के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, आउट हो चुके हैं फॉर्म, और क्लर्कल के एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो ऐसा स्पेशल नहीं है कि आपको एसबीआई पीओ के लिए स्पेशल है। आप इसे एसबीआई क्लर्कल या फिर आप अगर कोई भी बैंकिंग एग्जाम और कोई भी इंश्योरेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आप वहाँ पे इस टाइप के वीडियो के हेल्प से आप सक्सेस पा सकते हैं। तो आइए लिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ कि आज के सेशन में ऐसा क्या खास है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। तो पहली बात करेंगे हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। अगर से एक मैं बात बता दूँ आपको कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, हमारा गोल सेट होना चाहिए। तो पहली बात करेंगे हम लोग कि एसबीआई पीओ का सिलेबस क्या होगा। एसबीआई पीओ का जो सिलेबस होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ड्यूरेशन होगा 20 मिनट्स के लिए, और ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। एप्टीट्यूड की बात करेंगे यानी कि अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे, तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट्स के लिए, जो कि आपका बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल किया गया होगा, इंग्लिश एंड हिंदी। रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं अगर हम लोग, तो 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स और 35 मार्क्स के लिए, जो कि बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल किया होगा एज वेल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो ये है हमारा टारगेट, यानी कि इस पे हमें फोकस करना है। आइए अब इसकी जो एक स्ट्रैटेजी है, जो हमने एक स्ट्रैटेजी सेट करी है आप लोगों के लिए, वो स्ट्रैटेजी क्या है आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो द एसबीआई पीओ एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस वेल। हमें पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं उसका सिलेबस, उसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो जैसा कि पैटर्न अगर मैं एग्जाम की बता दूं, तभी हमने डिस्कस किया कि उसका पैटर्न जो होगा वो 35 मार्क्स 35 मार्क्स और 30 मार्क्स, यानी 30 मार्क्स की इंग्लिश और 35 35 का मैथ्स और रीजनिंग होगा। वहां पे टोटल 1 आवर्स में आपको करना होता है। नो द एसबीआई पीओ एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस एज वेल। द फर्स्ट स्टेप इन एसबीआई पीओ प्रिपरेशन स्टार्ट विद गोइंग थ्रू द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। यू नो विच टॉपिक देयर इन द सिलेबस एंड स्टडी इट वेल टू बेस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या प्रिपेयर करना है। कहने का मतलब है, इन सिंपल वर्ड अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी जो स्टडी है वो क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं लेके 8 8 घंटे बैठे हुए हैं, साथ में फोन भी है, अदर सारे स्टोरीज के बुक्स भी है, नहीं। हमारी स्टडी जो है वो भले ही 2 to 3 आवर्स की हो, बट क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। उस 2 to 3 आवर्स में स्टडी का मतलब सिर्फ स्टडी होता है। सेकेंड थिंग, सेकेंड पॉइंट, सॉल्व क्वेश्चंस डेली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द मोस्ट बैंकिंग एग्जाम स्टूडेंट्स हैव टू रेस अगेंस्ट टाइम। यहाँ पे आपका क्या होता है दोस्तों कि टाइम कम पड़ जाता है और क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पे आपको एक फिक्स टाइम पे प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना चाहिए कि एक सॉल्व पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस पेपर आपको डेली एज अ मॉक पेपर लगाना चाहिए, और ये मॉक पेपर जो है वो आपको आर्किन में डेली मिलेगा। जी हाँ, नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करें और वहां पे आप अपने मॉक पेपर का स्लॉट आज ही रजिस्टर कर सकते हैं। द ओनली पॉसिबल वे टू सॉल्व अ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द अवेलेबल टाइम इज टू इम्प्रूव द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड। जी हाँ, अगर मैं बात करूं अपनी, तो प्रिपरेशन अगर मैं करता हूं यानी आज भी अगर मैं पेपर देता हूं, तो जो आपका 35 क्वेश्चन होता है 20 मिनट्स के लिए, मेरा अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 मिनट में सारा क्वेश्चन डन हो जाता है। गॉट इट? तो वहां पे आपको क्या करना है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब मॉक दे रहे हो घर पे, तो आप 20 मिनट्स मत लेके चलो, आप 12 to 15 मिनट लेके चलो, स्टार्टिंग का 10 मिनट लेके चलो। एटलीस्ट पता तो चले कि 10 मिनट में मैं 10 क्वेश्चन कर पा रहा हूं। गॉट इट? अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो मेक अ डेली स्टडी प्लान टू बेस्ट यूटिलाइज योर टाइम। आप अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, जैसे ही कल सुबह आप जगोगे तो उससे पहले आज रात में प्लान कर लो कि हमें क्या करना है।
प्लानिंग बिफोर डूइंग. गॉट इट एवरीवन? हैविंग अ डेली स्टडी प्लान विल हेल्प स्टूडेंट्स इजिली कवर ऑल द टॉपिक्स इन द गिवन टाइम. It will also ensure that students solve a good number of questions to test their preparation. ये ensure करेगा आप अपने preparation में एक अच्छा score कर पाएंगे. और इसका जीता जाता example कोई और नहीं, आप खुद हैं. Only 7 days आप एक time strategy follow करिए reasoning, maths और English के लिए. और 7 days के बाद अगर आपको improvement ना आए तो इस video के नीचे comment करके कर देना कि sir 7 days हमने dedication के साथ time दिया था, improve नहीं हुआ. It's a challenge for you everyone. जो हमारा next point होगा वो होगा study the current affairs daily. दोस्तों इसका मतलब ये है कि mains की तैयारी prelims के पहले होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि prelims में अगर आपका result हो भी जाता है तो उसके साथ साथ mains का जब आप prepare करने जाओगे तो आपको mostly 15 days का time मिलता है और less than the 15 days. तो current affairs की strategy है वो धीरे धीरे चलने दो. क्यों? क्योंकि math, English और reasoning तो आप already पढ़ ही रहे हो ना, एक नया वहां पर मिलेगा current affairs और banking awareness. तो फॉर द SBI PO मेन्स एग्जाम और फर्दर मेन्स एग्जाम इन बैंकिंग सेक्टर, क्वेश्चंस अबाउट द करेंट अफेयर्स आर आस्क्ड इन द जनरल अवेयरनेस सेक्शन. स्टूडेंट्स शुड कवर एटलीस्ट द लास्ट 6 months ऑफ बैंकिंग करेंट अफेयर्स एंड स्कीम फॉर द SBI PO एग्जाम्स. करेंट अफेयर्स विल हेल्प यू इन द इंटरव्यू एज वेल. इंटरव्यूअर को ये नहीं चाहिए वहां पे कि आपके पास कितना नॉलेज है. नॉलेज तो आपके पास है तभी तो आप उसके सामने बैठे हो ना. पेपर जब आपने एक अच्छा पेपर परफॉर्म करा है, पेपर में परफॉर्म करा है, तभी आप उसके सामने बैठे हैं. वो आपसे जानना चाहेगा कि जनरल चीजों के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या अवेयरनेस है आपका, आप कितना डेडिकेटेड हो, आप कितना सीखने का ट्राई करते हो. इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है. वो आपकी नॉलेज नहीं चेक करेगा वहां पे. नॉलेज तो ऑलरेडी चेक कर चुका है वो आपका रिटर्न एग्जाम देके प्रीलिम्स और मेंस में. प्रीलिम्स उसने ले लिया कि आप क्वालिटी वाले बच्चे हो, भीड़ से अलग कर दिया. मेंस में सारे क्वालिटी वाले बच्चे हैं, ठीक है, सारे मतलब सारे दूध को हटा दिया, क्रीम निकाल कर रख दिया. अब उस क्रीम में से बेस्ट निकल के आना है आपने. उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा. गिव एज मेनी फुल लेंथ मॉक एज पॉसिबल. जितना ज्यादा पॉसिबल हो फुल लेंथ मॉक आप जरूर कीजिए. और एटलीस्ट 15 to 20 minutes फुल लेंथ मॉक बिफोर द SBI PO. 15 to 20 फुल लेंथ मॉक आपको देना पड़ेगा PO एग्जाम या किसी भी एग्जाम से पहले. किसी भी एग्जाम से पहले हम लोग नॉर्मली अगर अपने कजिन की शादी में जाते हैं तो शादी में जाने के 10 days पहले, 5 days पहले, 2 days पहले हम प्रिपेयर होते हैं कि ये वाला हमें तो वहां पे तिलक वाले सेरेमनी में पहनना है, ये हल्दी सेरेमनी के लिए स्पेशल येलो कलर का है, ठीक है, ये संगीत के लिए है, फिर ये आपका जिस दिन उसकी शादी होती है उस दिन के लिए है, ये रिसेप्शन. हम लोग पूरा प्लानिंग करके जाते हैं ना. तो जब दोस्त की शादी में, कजन की शादी में पूरा प्लान करके जा रहे हैं तो अपने लिए जब हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होने जा रहा है तो हम वहां पे प्रिपरेशन करके क्यों नहीं जा सकते. एकदम जा सकते हैं. और मैंने जैसे कि बताया कि मॉक पेपर के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है. नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए और अपना मॉक पेपर रजिस्टर्ड करिए. सिंपल एज वेल लास्ट ईयर का कट ऑफ जो है वो आप जरूर एक बार देख के जाएं कि क्या रहा है. लिमिट योर स्टडी मटेरियल एंड फोकस मोर ऑन रिवीजन. जी हाँ, अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं तो 3 to 6 months में आपके सिलेबस खत्म हो जाते हैं. इसके बाद आप वहां पे कितना ज्यादा जो आपके स्टडी मटेरियल है उसको अच्छे से पढ़ रहे हो, कितना ज्यादा रिविजन कर रहे हो, मैटर इस पे कर रहे हैं. सिंपली इन अ सिंपल वर्ड, SBI PO इज नॉट अ गेम ऑफ इंटेलिजेंसी. SBI PO इज द गेम ऑफ योर कॉन्टिन्यूटी. ये आपके कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का एक हिस्सा है SBI PO. Students should focus on the revising their study material rather than the expending their resources material. है ना? आपके पास क्या है आप उसमें खुश रहिए. क्या होना चाहिए वो छोड़ दीजिए. यानी अगर आपके पास रीजनिंग के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो उस लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो जैसे आपकी कोई फेवरेट चीज हो. मैथ्स ऐसे बना दो कि अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन दे दे तो आप सीधे सीधे बता सको, अरे ये क्वेश्चन तो 2019 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर दिस है, ये शिफ्ट का क्वेश्चन है. ऐसे आपके प्रिपरेशन होनी चाहिए. अब ये नहीं कि क्वेश्चन रट लो कौन से ईयर में कौन सा आया था.
अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी। एसबीआई पीओ की अगर हम बात करें, आईबीपीएस पीओ की बात करें, तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी अगर हम रीजनिंग की बात करें तो पजल इज द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक इन द रीजनिंग सेक्शन। सॉल्व एटलीस्ट 2 to 3 पजल टू इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड, एंड आपको डेली 2 से 3 पजल सॉल्व करना पड़ेगा। इट्स टू सॉल्व इजियर क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन मूव द पजल इन द रीजनिंग सेक्शन। एसबीआई पीयू में स्टूडेंट शुड सॉल्व द मोर डिफिकल्ट पजल क्वेश्चन। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एसबीआई पीओ इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का एक अगर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं तो ये आपका स्कोरिंग सेक्शन होता है एसबीआई पीओ में। द बेस्ट वे टू प्रिपेयर द इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन टू सॉल्व द मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, इट विल हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव द वोकैबुलरी एज वेल। एंड फॉर द डिस्क्रिप्टिव सेक्शन स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 essay and 2 letter इन एवरी वीक। 2 letter 2 essay एवरी वीक में आपका होना चाहिए, तब जाके आपका इंग्लिश का जो स्ट्रैटेजी है वो एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा। अगर हम वही एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन की बात करें कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन। कोई कितना भी धुरंधर हो पेपर में, एवरेज आपका वही जाता है 35 में से 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35 टॉपर्स के जाते हैं। तो इन द वन ऑफ द मोस्ट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन ऑफ एसबीआई प्योर और एवरी बैंक एग्जाम्स, स्टूडेंट्स कैन स्कोर हाई मार्क्स टू क्वांट थॉट द रेगुलर प्रैक्टिस एंड लर्निंग द टेक्निक्स। अगर टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक्स किस टाइप के टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, जैसे नंबर सीरीज की बात करूं मैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 question मिलते हैं नंबर सीरीज कह लो या फिर रॉन्ग सीरीज कह लो। इसके बाद अगर मैं बात करूं वहां पे आपका क्वांटिटी आपका मिलता है, क्वांटिटी 1 2 की क्वांटिटी 1 is greater than 2 or 2 is greater than 1, जस्ट लाइक दैट 5 question उसके मिलते हैं। 5 question आपके इनइक्वालिटी के मिलते हैं, ठीक है, मिलते ही मिलते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। डीआई आप डेली बनाना शुरू करो, ठीक है, डीआई के मतलब एटलीस्ट 5 set तो डेली बनाओ। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर का एग्जाम प्लान कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में जब पहला एग्जाम देने जाओ सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो एटलीस्ट आपके माइंड में इतना हो कि कम से कम 3-4 हजार डीआई आपने सॉल्व कर लिया हो। वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत हार ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है हमें, और डेली डीआई की प्रैक्टिस करिए। यानी कि अगर ओवरऑल मैं आपको एक प्लान दूं तो आप डेली 3 से 4 question आपका डीआई का सॉल्व करो। क्वेश्चन का मतलब सेट, एक सेट में 5 question, ठीक है, 4 question कुछ नहीं करिए, 5 question डीआई के, 5 question नंबर सीरीज के, 5 question इनइक्वालिटी के, 15 हो गए मैथ्स के। 15 question करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटे चाहिए, बस 1 से 1.5 घंटे बस। इंग्लिश की बात करते हैं, एक पैराग्राफ करिए, गॉट इट, एक पैराग्राफ यानी कि 5 question का 1 set, 5 question का 1 set आप करिए कॉमन एरर, 5 question का 1 set करिए जंबल, ठीक है, 15 question यहाँ पे हो गए, और एक एसे और एक आपका लेटर डेली रखिए। तो 15 और 2 17 यानी कि लगभग 20 question हमारा हो गया मैथ्स में, 15-17 question हो गया आपका इंग्लिश में। रीजनिंग की बात करें, 2 से 3 3 पजल ले लो, 15 हो गए, एक सिटिंग अरेंजमेंट ले लो 20 हो गया, इसके बाद 3 question सिलोलिज्म के और 3 question आप नॉर्मली उसमें आप डे बाय डे चेंज करते रहो कि आज आपने ब्लड रिलेशन लिया, फिर अगले दिन आप डायरेक्शन लोगे, फिर अगले दिन आप वहां पे इनइक्वालिटी लोगे, फिर अगले दिन आप वहां पे कोडिंग डिकोडिंग लोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस। और बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग की स्पेशली बात करूं, तो चाइनीज कोडिंग और आपका न्यू पैटर्न ऑफ इनपुट आउटपुट वो आपका क्लियर होना चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप साथ में कमेंट जरूर करें कि आप किस स्टेट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम लोग सारे स्टेट्स के बच्चों को एक साथ जोड़ के ऑनलाइन कोलैब करने का प्लान किया है, तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे आपकी। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो सारे स्लाइड्स पे आपके नंबर्स दिए गए थे वहां पे कॉल करके आप अपना टाइमिंग और स्लॉट बुक कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आपका कोई भी दोस्त प्रिपरेशन कर रहा हो तो आप उसे ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।